So, भाई लोग ये लास्ट पार्ट है इस ट्रिविया वाले मैप का। होप आपको भी मजा आ रहा होगा इस ट्रिवियास को सॉल्व करने में। हमने अभी तक 33 क्वेश्चंस के आंसर दे चुके हैं, जिसमें से कुछ सही हुए कुछ गलत हुए। होपफुली आपको भी कुछ इससे सीखने को मिल रहा होगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब वक्त है 34th वाले नंबर वाले क्वेश्चन को देखने का। तो ये बटन दबाने से हमें मिलेगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट इज परसेंटेज ऑफ फॉल डैमेज डज अ हे बेल रिड्यूस। अब इसके ऑप्शन देख लेते हैं। 80%, 50% और 60%। ओ भाई, 50% तो नहीं हुआ, गलत हो गया। अब बचे 60% और 80%। तो एक बार 80% को ट्राई करके देखते हैं। ओह, ये तो सही आंसर था। क्या बात है, 80% तक रिड्यूस करता है। वाओ। अनफॉर्चुनेटली मैंने इसको अपने जंप वाले एक्सपेरिमेंट में नहीं लिया था, इसलिए मुझे मालूम नहीं था। चलिए कोई बात नहीं, अब मालूम चल गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, जो कि 35 है। विच ऑफ दिस हर्ट्स द मोस्ट, ऑकवर्डली शेकिंग समवन्स हैंड। ये माइनक्राफ्ट रिलेटेड क्वेश्चन नहीं है। दूसरा है वेविंग बैक टू अ स्ट्रेंजर व्हेन यू थिंक दे आर वेविंग एट यू। एंड लास्ट है सेइंग यू टू व्हेन अ वेटर सेज एंजॉय योर फूड। आई थिंक दिस शुड बी द आंसर। आई थिंक ये ऑकवर्ड होगा सबसे ज्यादा, कि वेटर को बोलना भाई कि वो अगर आप बोले कि एंजॉय द फूड करो तो यू टू। और दैट्स रियली ओ माय गॉड, सही में यही आंसर था। मैंने तो बस वहां तुक्का लगाया था। अब देखते हैं नेक्स्ट वाला क्वेश्चन। विच ऑफ दिस स्लैब्स डजंट एग्जिस्ट, स्मूथ क्वार्ट्ज स्लैब। पता नहीं इसके बारे में। कट रेड सैंडस्टोन स्लैब, मेरे ख्याल से यही होना चाहिए। जाके देखते हैं। नहीं, ये गलत आंसर था। ओ माय गॉड, मुझे थर्ड ऑप्शन एक बार देख लेना था। ये अच्छी बात है कि हमारा चेक पॉइंट जो था 35th क्वेश्चन पे था, तो ये तो बहुत पास में था। ये 36 नंबर का क्वेश्चन में हम फंसे थे, तो फिर से एक बार देखते हैं। ये एक तो गलत हो गया क्वेश्चन का आंसर। अभी देखते हैं कि ये वाला ऑप्शन क्या है। ये है पॉलिश बेसाल्ट स्लैब, क्या बात है, ये भी सही आंसर था। अभी देखते हैं विच ऑफ दिस आइटम कैन यू गेट फ्रॉम ट्रेडिंग विथ पिगलिंस। मुझे मालूम है पिगलिंस से हमको सोल स्पीड का बुक मिलता है, मुझे भी मिला था आयरन नगेट और ग्लो स्टोन ब्लॉक। मुझे आयरन नगेट्स भी मिल चुके हैं, ये दोनों मुझे मिल चुके हैं। सोल जो स्पीड की बुक है वो भी मिल चुकी है और आयरन नगेट्स भी मिल चुके हैं। मुझे बस ग्लो स्टोन का ब्लॉक नहीं मिला, आई थिंक सो। तो यही आंसर होना चाहिए। ओ वाओ, व्हाट अ कोइंसिडेंस, सही आंसर है। वैसे मुझे मालूम था कुछ हद तक, लेकिन फिर भी मैं इस तुक्का लगाया। विच ऑफ दिस बायोम्स डजंट एग्जिस्ट, यह है जायंट ट्री टाइगर बायोम, ओशीन बायोम, और यह है वुड मॉडिफाइड वुडलैंड बेडलैंड प्लेटू। ओ माय गॉड, ये गलत आंसर था। ये प्लेटू वगैरह नहीं था, ये है एक्चुअली, एग्जिस्ट करता है, पर पता नहीं कौन सा ऑप्शन होना चाहिए। ओशीन तो बायोम है नो डाउट, ये मेरे ख्याल से जायंट ट्री टाइगर बायोम्स नहीं होने चाहिए। तो प्रीवियस क्वेश्चंस के आंसर देते हुए जल्दी से हम आगे बढ़ते हैं और जहां तक हम पहुंचे थे वहां तक कवर कर लेते हैं। तो ये दोनों क्वेश्चन के आंसर हमने दे दिए थे। अभी ये 37th नंबर का क्वेश्चन है, देखते हैं कि ये कौन सा, यही वाला क्वेश्चन था कि दूसरा था। तो एक मिनट, इसको टाइप करते हैं। विच ऑफ आइटम्स कैन यू गेट फ्रॉम ट्रेडिंग, ओके ग्लो स्टोन वाला था। ओके, ये वाला सब तो हमने कर लिया था। 38th वाले नंबर वाले क्वेश्चन पे हम फंसे थे, तो इसका हमने एक गलत आंसर दिया था। अभी इसको देखते हैं। विच ऑफ दिस बायोम डजंट एग्जिस्ट, ओशीन था, पर भी मैंने एक बार ट्राई किया, गलत हो गया। लेकिन ये जायंट ट्री वाले जो टाइगर बायोम है वही होंगे आंसर, डेफिनेटली वही होना चाहिए आंसर। तो जो जायंट ट्री टाइगर बायोम है वो एग्जिस्ट नहीं करते, बाकी ओशीन करता है, और एकदम वियर्ड नाम वाला जो प्लेटू था वो एग्जिस्ट करता था। तो फाइनली आखिर हमारा सही हो गया दो गलत आंसर के बाद में। अभी देखते हैं कि 39th वाला क्वेश्चन क्या है। तो इसको टैप करने पर हमें मिलता है, वन सेक जल्दी देखें। हाउ डू यू ऑब्टेन द एडवांसमेंट ऑफ अ कंप्लीट कैटलॉग। इसके बारे में मुझे ज़्यादा जानकारी नहीं है, क्योंकि वो एडवांसमेंट मैंने किया नहीं है। कैच ऑल फिश वेरियंट्स, ये है टेम ऑल कैट, और ये है ट्रेड विथ एवरी टाइप ऑफ विलेजर। तो आई थिंक कौन सा होना चाहिए इसमें आंसर। फिश नहीं, गलत हो गया, फिश नहीं है आंसर। दूसरा था टेम ऑल टाइप्स ऑफ कैट, तो एक बार उसको देखते हैं, या फिर इससे पहले विलेजर्स के ऊपर जाते हैं। नहीं, ये भी गलत आंसर है। यानी कि आप ऑल टाइप ऑफ विलेजर से ट्रेड भी कर लें तो भी ये जो है वो फुलफिल नहीं होता है।
इसका मतलब है सही आंसर है कैट वाला। तो जो बीच वाला है वही सही आंसर होना चाहिए। कंप्लीट कैटलॉग के लिए हमको ऑल टाइप ऑफ कैट को टेम करना पड़ता है, तभी होता है, और यू मैंने अभी तक किया नहीं है। अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, जो है नंबर 40th। आर स्टीव एंड एलेक्स डेटिंग? ये कैसा क्वेश्चन है भाई? स्टीव गॉट फ्रेंड ज़ोन? नो, दे आर सिबलिंग। और लास्ट वाला क्वेश्चन है यस। मेरे ख्याल से यस ही होना चाहिए, लेकिन ये मेड अप क्वेश्चन है, इसका गेम से कोई रिलेशन नहीं है, कोई लेना देना नहीं है। ओह, आई रियली जस्ट मेकिंग थिंग्स अप एट दिस पॉइंट। यस आई नो। अब नंबर 41 क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। विच ऑफ दिस आइटम हील्स द मोस्ट हंगर बार? ऑप्शन है कुक्ड बीफ, रैबिट स्टू और पम्पकिन पाई। पहले कुक्ड बीफ की तरफ चलते हैं, लेकिन वो गलत आंसर था। तो अब नेक्स्ट ऑप्शन की तरफ चलते हैं। मेरे ख्याल से ये होना चाहिए रैबिट स्ट्यू, लेकिन रैबिट स्ट्यू सही आंसर। आई नेवर थॉट कि ये सही आंसर हो सकता था। विच ऑफ दिस मॉब एग डजंट एग्जिस्ट? वॉन्डरिंग ट्रेडर का एग, या फिर एंडर ड्रैगन का, एंडर गार्डियन का स्पॉन एग, या फिर ये है हॉगलिन ब्रूट का स्पॉन एग? कोई आइडिया नहीं। इसमें घुस के देखा और सही आंसर निकला। मेरा लक काम कर रहा है। तो अभी देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये है नंबर 43rd। विच ऑफ दिस इंग्रेडिएंट डू यू नीड टू मेक अ पोर्शन ऑफ इनविजिबिलिटी? देखिए, नाइट विजन के लिए मेरे ख्याल से गोल्डन कैरेट का जरूरत पड़ता है। उसके अलावा अगर अपन इनविजिबिलिटी का बनाए तो शायद हमको स्पाइडर फर्मेंटेड आई का जरूरत पड़ेगा। तो पहला ऑप्शन है घास टीयर। घास टीयर का मुझे याद नहीं है कि किस पोर्शन में यूज होता है, लेकिन ये देखते हैं कि गोल्डन कैरेट तो मैंने बता ही था, फर्मेंटेड स्पाइडर आई, आई थिंक ये आंसर होना चाहिए, फर्मेंटेड स्पाइडर आई, जैसा कि मुझे याद है। आई थिंक घास टीयर पता नहीं किस में यूज़ होता है, लेकिन मेरे को ये पक्का पता है कि ये इनविजिबिलिटी में तो यूज़ नहीं होता। फिर भी ट्राई करके देखते हैं, और ये सही आंसर था। क्या बात है, मैंने सही से खेला है माइनक्राफ्ट। हाउ मेनी डिफरेंट टाइप ऑफ फ्लावर्स आर देयर इंक्लूडिंग द मशरूम एंड द फंगस? ओ भाई साहब, इतना डिफिकल्ट क्वेश्चन कैसे कोई काउंट कर सकता है कि कितने हो सकते हैं? थोड़ा ऑप्शन देख लेते हैं। 17 लिखा हुआ है यहाँ पर 15 लिखा हुआ है और 13 लिखा हुआ है, पता नहीं। पहले 15 की तरफ चलते हैं, तो ये गलत आंसर था। कोई बात नहीं, ये तो होना ही था। अभी वापस चलते हैं और देखते हैं कि स्टीवन डेक्स एलेक्सर डेटिंग, ये तो सही था। पहले हमको सभी क्वेश्चन का आंसर जल्दी जल्दी देना पड़ेगा, तभी हम उस क्वेश्चन तक आ पाएंगे। इसमें तो ये वाला था, शायद एग वाला ऑप्शन था। उसके बाद 43rd क्वेश्चन का ये वाला आंसर था, और 44th क्वेश्चन में हम फंसे थे। इसमें आई थिंक इस बार मैं 17 करके कोशिश करता हूँ। 17 सही आंसर है, 17 टाइप के फ्लावर, क्या बात है। अभी हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि है 45। व्हाट इज स्टीव फुल नेम? स्टीवी है मुझे मालूम, उसका कोई सरनेम नहीं है। ओके, ये इजी था। 46, हाउ मेनी नेदर बायोम्स आर देयर? भाई कितने नेदर बायोम हो सकते हैं, मुझे अंदाजा नहीं है, फिर भी ऑप्शंस देखते हैं। नए अपडेट के साथ यानी 1.16 के साथ तो कई सारे बायोम ऐड हुए हैं, फिर भी जाके एक बार देखते हैं ऑप्शंस को। ऑप्शन है 4, ये है 5, 5 में जाके देखते हैं, सही आंसर। टोटल नेदर में 5 बायोम है। ओके, अब टोटल 60 बायोम है, मुझे मालूम था ओवर 60 बायोम्स है। हाउ मेनी म्यूजिक डिस्क आर देयर? आई थिंक 12 या 13 के आसपास डिस्क है। पहले ऑप्शन देखते हैं, 12, ओ गलत आंसर, 12 सही आंसर नहीं था। ठीक है, हमारा जो चेक पॉइंट है वो 45th क्वेश्चन पे है, तो ये तो सही था। 46 का भी हमें पता है आंसर, उसमें भी हम जल्दी से चले जाते हैं, और उसके बाद फिर देखेंगे 47th वाला। ये हमारा एक बार गलत हो चुका है, तो एक बार यहाँ चल के देखते हैं। ये है सही आंसर, उसमें 13 लिखा हुआ था, 13 सही आंसर था। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 48th नंबर का। हाउ मेनी डाइज आर देयर इन द गेम? भाई डिफिकल्ट क्वेश्चन है, इतने सारे डिफिकल्ट क्वेश्चन कैसे याद रखेंगे भाई, कितने हो सकते हैं। मैं 14th नंबर पे गया था, यानी 14 नंबर पे, जो कि गलत था। तो देखते हैं कौन सा सही आंसर हो सकता है। ओ, अभी हम नेक्स्ट ऑप्शन की तरफ चलते हैं। देखिए इसमें है 16 है, 16 भी गलत आंसर है। अब बचा वाला ही सही आंसर होना चाहिए, तो ये वाला है 18, और 18 सही आंसर था, मालूम होना चाहिए था।
कैसे मालूम होता है भाई, बहुत डिफिकल्ट था, कैसे काउंट कर सकते हैं। सो यू थिंक यू नो माइनक्राफ्ट, हाउ मेनी ब्लॉक्स आर देयर इन द गेम? भाई कितने ब्लॉक हो सकते हैं गेम में? है तो बहुत सारे हैं, उन्हें काउंट करना तो बहुत मुश्किल है, लेकिन देखते हैं ऑप्शन से। पहला ऑप्शन है 481, जो कि गलत था। अब दूसरे ऑप्शन में देखें, ये है 702। क्या बात है, 700, इतने सारे ब्लॉक्स है, बाबा रे बाबा, मैंने कभी काउंट नहीं किए। लेकिन अभी देखते हैं, आखिरी क्वेश्चन है ये, तो आखिरी क्वेश्चन क्या पूछ सकता है। डिड यू एंजॉय प्लेइंग? यस बिल्कुल भाई, बिल्कुल यस। काफी सारी चीजें सीखने को मिली माइनक्राफ्ट में, और एज अ रिवॉर्ड ये क्या मिला है भाई, पोर्ट्रेट मिला है ये तो, जो कि माइनक्राफ्ट के ब्लॉक से मिलकर बना हुआ है। तो भाई ये था वीडियो, होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा और नॉलेज भी आपको लगा होगा, कुछ नॉलेजेबल मिला आपको। तो होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू।